दोस्तों, मैं आज आपको जो हमारा सीड वैल्यू है डीपी से हमने जो सीड वैल्यू किया है वही आज रिडीम कैसे करते हैं वही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाऊँगा। तो ट्रस्ट वॉलेट पे जो नीचे है ब्राउज़र, ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे हम डायरेक्टली pvc meta .io टाइप कर देंगे और सर्च कर देंगे। उसके बाद में हमें चेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर और यहाँ पे हम bnb स्मार्ट चेन करना है और उसके बाद में हम कनेक्ट पे जाना है। कनेक्ट के जाने के बाद में अभी जो दिख रहा है दो, एक सीड फंडिंग दूसरा टोकन फार्मिंग, तो हमें पहले सीड फंडिंग पे जाना पड़ेगा और सीड फंडिंग के आने के बाद में हमें एक हमें पिन मांगेगा यहाँ पे जो 6 डिजिट का दिया गया है पिन, वही वाला पिन यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद में ये देखिए हमारा जो सीड फंडिंग है वही दिख रहा है और ये जो सीड वैल्यू का भी ये ऐड हुआ है वही भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले हम अभी फार्मिंग पे जो टोकन फार्मिंग लिखा हुआ है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और टोकन फार्मिंग में एक हमें पिन मांगेगा जो किसी डिजिट का दिया गया है वही पिन यहाँ पे भी मांगता है, अभी के लिए तो नहीं मांगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो 3 डॉट है ना यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ट्रांजेक्शन, वहाँ पे क्लिक कर लेना है और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में हम जो फार्मिंग अगर किए हैं तो फार्मिंग का भी यहाँ पे शो करेगा और अगर फार्मिंग नहीं किए हैं तो शो नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन पे चले आना है जो कि सीड वैल्यू है और उसके बाद में इधर राइट साइड में जो कि BUSD लिखा हुआ है। तो मेरा आज हो गया है 11 BUSD। तो इसको मैं आपको रिडीम करके दिखाने वाला हूँ। तो रिडीम करने के लिए जो सीड वैल्यू के नीचे है रिडीम का ऑप्शन वहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और इसके बाद में हमें यहाँ पे मैक्स के क्लिक कर देना पड़ेगा। तो मेरा जितना भी है BUSD वो सब अभी सबमिट करूँगा तब रिडीम हो जाएगा। तो सिंपली हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा जो सीड वैल्यू है वो सक्सेसफुली रिडीम हो गया है। तो ऐसे करके आप आराम से आप अपने सीड वैल्यू को रिडीम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको कुछ काम आ गए हो। तो धन्यवाद।